गाइस वेलकम बैक, दिस इज प्रफुल चोपड़े फ्रॉम माय चैनल पीसेस बकेट लिस्ट। और आज लगभग मानसून, मुंबई मानसून 2023 को 3 महीने हो गए, लेकिन अभी भी 3 महीने में मैं बारिश में ना भीग पाया हूँ, ना किसी वाटरफॉल में जाके भीग पाया हूँ। लास्ट समर में हम गए थे, एक स्पेशल वाटरफॉल था जवार मुंबई कालमांडू वाटरफॉल, जो 365 डे चालू रहता है। हम लोग मई में जाके हमने वाटरफॉल में एंजॉयमेंट किया था, लेकिन उसके बाद मानसून के 3 महीने हो गए, हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि इस बार मुंबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, लगभग सभी जगह हो गई। एक तो बारिश लेट आ गई, जून महीना पूरा ऐसे निकल गया ड्राई, और जैसे ही जुलाई में बरसना चालू हुआ तो लोग वापस घर में कैद हो गए, लॉकडाउन की तरह बाहर ही निकल नहीं पा रहे थे। प्लस कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स पे एक्सीडेंट्स, डेथ भी हो गए, उसकी वजह से सेक्शन 144 लगाया गया और वाटरफॉल्स पे काफी प्रोहिबिशन भी आ गया था। तो शायद लाइफ में पहली बार ऐसा होगा कि मानसून के 4 महीने में से 3 महीने खत्म हो गए और मैं अभी भी भीग नहीं पाया हूँ। तो ये रिस्क मुझे लेना नहीं था, तो मैंने कहा नहीं बहुत हो गया, अभी जैसे तैसे मैनेज करके 6 दिन के लिए एप्लीकेशन डाल दी और हम आज निकल पड़े हैं फर्स्ट टाइम 3 महीने में बारिश में मालसेज घाट, जो सबसे मुंबई की फेमस जगह है बारिश के लिए। तो मालसेज घाट प्लान है हमारा, हम कहीं पे भी वाइल्ड कैंपिंग करेंगे, नोबडी कैंपिंग करेंगे, वाटरफॉल्स के पास कहीं किसी भी जगह। और लगभग 8 महीने बाद मैं ये फेमस टी शर्ट पहन रहा हूँ इंडियन ओवरलैंड्स का। ये टी शर्ट लास्ट टाइम पहना था हमने दिसंबर में, जब इंडियन ओवरलैंड्स की टीम कारवा भारत, विवेक शर्मा जी और पूरी उनकी टीम आई थी। हम उनके साथ पावना लेक, महाबलेश्वर और गोवा में 10 दिन तक कैंपिंग कर रहे थे। इससे पहले लाइफ में कभी मेरा 10 दिन पूरी तरह पिकनिक और कैंपिंग में, इनफैक्ट नोमैडिक कैंपिंग के लिए फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि 10 डेज बगैर होटल के हमने केवल रूफटॉप कैंपिंग और कार कैंपिंग के सारे 10 दिन निकाले थे। तो वो बहुत ही बेहतरीन दिन थे जिंदगी के, क्रिसमस 2022। और उसके बाद 8 महीने बाद आज ये टी शर्ट दोबारा पहना है, क्योंकि उतना ही लगभग लंबा 6 से 7 दिन का टूर, मानसून टूर, और वो भी महाराष्ट्र के मैजेस्टिक वेस्टर्न घाट्स मालसेज घाट में हम करने जा रहे हैं। तर मित्रांनो, संध्याकाळचे 5:30 वाजत आहे आणि आम्ही सध्या पोहोचलो आहे त्या फेमस आयकॉनिक मार्शल घाटच्या वॉटरफॉल रोड स्पॉटकडे, आणि तब्बल 5 वर्षांतर मला आज संधी परत भेटते आहे या वॉटरफॉल खाली भिजण्याची। मालशेज घाट में आकर आपने अगर ये नहीं किया तो क्या किया, असं म्हणतात ना, तसाच हा एक अनुभव आहे आणि याला मिस नाही करू शकत आपण। माझी कार तर भिजली पण मी अजून भिजायचं बाकीच आहे, पण या स्पॉटला मी उद्या परवा येणार, नक्कीच येणार इथे, कारण की 5:30 वाजत आहे, अंधार होत आहे आणि आम्हाला अजूनही रोड साईड कॅम्पिंग करायला रात्री एक सेफ स्पॉट भेटलेला नाही आहे। जसा जसा आम्ही घाट वरती चढत आहे तितक्याच प्रमाणात अंधार पण वाढतो आहे। या घाटावरती रात्री एमर्जन्सीमध्ये तुमच्याकडे पेट्रोल पंप किंवा लॉज किंवा धाब्याचे पण ऑप्शन नाही आहे इथे, की ज्याच्या पार्किंग एरियामध्ये तुम्ही रातभर एमर्जन्सी कार कॅम्पिंग करू शकतात। पण हळूहळू घाटचा चढाव संपतोय आणि उतार स्टार्ट होतोय, आणि 3 किलोमीटर घाट खालती उतरल्यानंतरच आमच्याकडे एक जॅकपॉट लागतोय, आणि हा जॅकपॉट आहे हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचं मैदान, जे स्थित आहे MTDC रिसॉर्टच्या समोर।
MTDC मालसेज घाटला तुम्हाला वैली फेसिंग रूम्स भेटतात आहे 7,000 रुपीज पर डेच्या हिशोबाने। पण एकदा का तुम्ही हॉटेल रूमच्या आत गेल्यावरती निसर्ग आणि क्लायमेटशी एकदम डिस्कनेक्ट होऊन जातो आपण। माझी वाईफ नम्रताची इच्छा होती की MTDC कार पार्किंगच्या आतमध्ये आम्ही कार कॅम्पिंग करू रात्री, पण मॅनेजरने आम्हाला परमिशन दिली नाही आणि अगदी माझ्या मनासारखे झाले, कारण की रिझॉर्टच्या आतमध्ये कॅम्पिंग करून काहीच थ्रिल नाही आहे, अगदी पिंजऱ्यातल्या वाघासारखं वाटते। म्हणून जसंच आम्हाला नकार भेटला मी खुशीखुशी बाहेर निघालो, कारण की मुंबई विरारवरनं आम्ही इथे मालसेज घाटला याच्यासाठीच आलेले आहे की इथलं सुंदर निसर्ग, घाट, पाऊस, फॉगचा आनंद घेऊ आम्ही। कंटिन्युअस 2 दिवस 48 तासापर्यंत आम्ही या क्लायमेटशी कनेक्टेड राहूया आम्ही। सो फायनली संध्याकाळच्या 6 वाजतात आमचा टेंटचा पूर्ण सेटअप रेडी होतो आहे आणि आत्ता आम्ही पहिला आमच्या कॅम्पिंगचं गवती चहा पिणार आणि सगळं परफेक्ट आहे। आमचं ऑनिंग टेंट परफेक्ट सेट झालेलं आहे, रेडीमेड मालसेज घाटचं जे टॉयलेट आहे ते बिलकुल बाजूलाच आहे। आता फक्त ही भीती आहे की रात्री हवा इतकी जास्त नसायला की आम्ही इथून पळून सुटावे आणि या रिझॉर्टमध्येच एखादी खोली बुक करून टाकावे। हमारे बोरीवली ईस्ट के ये है डॉक्टर हरेश, डॉक्टर हरेश शाह फ्रॉम बोरीवली, मुंबई पुणे नोमेडिक कैंपर फैमिलीज के नए मेंबर, और इनका ये रथ देखिए। मुझे तो आश्चर्य होता है कि मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक में आज मुंबई से ये मालसेज घाट तक आए, इन्हें टोका पकड़ा कैसे नहीं अभी तक। महाराष्ट्र के मैजेस्टिक वेस्टर्न घाट्स में हम लोग अभी कैंपिंग कर रहे हैं और महाराष्ट्र की फोनी की खिचड़ी खाएंगे अभी, और डॉक्टर साहब हैं हरेश शाह फ्रॉम बोरीवली, उनको भी खिलाएंगे। यस यस, गरम मसाला
जिंजर गार्लिक भी ऐसे ही गाने सुनते रहेंगे ना तो आपने जैसे ऐसे ताली बजाई ना ऐसे मेरे पप्पा बजाते हैं okay. जब एकदम धुन में आ जाते एकदम और मेरे ही गाने रहते हो हाँ ये ही गाने रहते हैं right. तो एकदम मेरे को पप्पा की याद आई जा रहे हो बस मिलता हूँ चलिए चलिए ओके ये थे डॉक्टर हरेश शाह फ्रॉम बोरीवली यस केवल एक नाइट मिलने के लिए आए हमको बोरीवली से मालसाज घाट ठीक है ओके सर बाय चलिए बाय बाय मस्त सकाळ सकाळचा गवतीचा बनतोय आता ऐसी आ रही है।